अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो रंग बिरंगी दुनिया नज़र आ रही है, या हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद कोई तस्वीर या वीडियो अपलोड हम कर देते हैं तो देखने वाले समझते हैं पता नहीं परदेश की ज़िंदगी में कितने मज़े हैं। तो आज कुछ हकीकत भी बताने लगा हूँ मैं अपनी इस वीडियो में। पाकिस्तान में हमें मुख्तलिफ खाने बना के देती है, हमें मज़ा नहीं आता। यहाँ पर हम नूडल्स में गर्म पानी डाल के बेस्वादी खाना खा लेते हैं। पाकिस्तान में सिनक में एक बर्तन भी नज़र आए तो गुस्सा आ जाता है। परदेश में हम ढेरों ढेर जमा हुए होते हैं मगर कुछ गुस्सा नहीं आता। अपने घर में कॉफ़ी मिले या चाय मिले हम उसमें भी नुक्स निकालते हैं, जबकि परदेश में हमें आर्टिफिशियल टाइप की एक बेकार सी कॉफ़ी मिले तो हम उसे भी बहुत मज़े ले लेकर पीते हैं। अपने घर में अम्मी अगर कपड़े धोकर प्रेस करके तय लगाती है तो हम कहते हैं कि अम्मी जान इसमें तो सिलवट आ गए, जबकि परदेश में अक्सर लोग सिलवट वाली शर्ट पहन लेते हैं, ऊपर इस्त्री करके सिर्फ कोट पहन लेते हैं। अपने घर में इस्तेमाल की कोई भी चीज़ उस वक्त ना मिले जब इस्तेमाल करनी हो तो एकदम से गुस्सा आ जाता है, जबकि परदेश में अक्सर इस्तेमाल करते वक्त चीज़ें ख़त्म हुई होती हैं और इतवार का इंतज़ार करते हैं कि इतवार आएगी तो लेकर आएंगे। अपने घर में ज़रा सा ज़ुकाम हो जाए या जिस्म टूटे तो अम्मी बार बार आती है तो आधी बीमारी वैसे ही ख़त्म हो जाती है, जबकि परदेश में एक छोटी सी बीमारी भी बहुत बड़ी लगती है जबकि अम्मी पास ना। बस इतना ही कहना चाहूँगा लास्ट में, डियर मॉम आई लव यू आई मिस यू।